हम आइसोलेशन में उस कल्चर को इंडिपेंडेंटली कभी डिफाइन नहीं कर पाए कि ये कहाँ से ये लोग आए और ये टेक्निक कहाँ डेवलप हुई। 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। एंशिएंट लिटरेचर हैज बीन पुट टू टेस्ट नाउ। तो चलिए आज से करीब 5,500 साल पहले चलते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी है। सनौली गांव में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक अंत्येष्टि स्थल यानी बरियल्स मिले हैं। इट टर्न्ड आउट टू बी द लार्जेस्ट सिमेट्री साइट इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और एनीवेयर ऑन द लेट हरप्पन सिनेरियो। करीब 116 बरियल्स मिले। सनौली जैसी साइट खोदने पे पता लगता है कि ये कॉपर होल्ड यहीं से शुरू हुआ है। कई ऐसे साइट हैं जहां ओसीपी और कॉपर होर्ड के ऑब्जेक्ट एक साथ मिले। ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक कॉफिन बरियल है, दूसरा फ्रेगमेंट्री बरियल है जिसमें पार्शियल बोन्स रखे हैं, और तीसरा सिंबॉलिक बरियल है। जलाने की परंपरा, दफन करने की परंपरा, ये दोनों समकालीन थी, एक काल में बराबर चल रही थी उसी वक्त। इसलिए सरौनी में हमको दोनों परंपराओं के एविडेंस मिले हैं। सैकड़ों की संख्या में हमें एंटीना सोर्ड्स मिले हैं। क्या ये सिंबॉलिक है? क्या इसका कोई यूज नहीं है? एक्सपर्ट्स को मिले आर्टिफैक्ट सालों तक चर्चा का विषय बने रहे और कई सवाल भी उलझे ही रहे कि बरियल से जुड़े लोग थे कौन, वे किस सभ्यता से जुड़े। स्वर्ड को बरियल्स में क्यों रखा गया? कौन थे वो लोग जो इन तलवारों से जुड़े थे? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब हमें शायद आगे मिले। मैं मनोज बाजपेयी आज आपसे रूबरू हूं इस देश में हुई सबसे बड़ी खोज को लेकर, हमारी प्राचीन सभ्यता की खोज।